वो बहुत दिनों बाद अपने चैनल पे दोबारा से एंट्री। काफ़ी कुछ भूल चुका हूँ व्लॉगिंग करना, तो आज काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट करेंगे। तो गाड़ी अपनी स्टार्ट है, अभी हमें निकलना है जलंधर की ओर, फिर हम वहाँ पे चल के डिसाइड करते हैं कहाँ कहाँ घूमना है। तो लेट्स सी, काफ़ी मज़ा आने वाला है, लेकिन ये व्लॉग शायद 2-3 पार्ट में बटेगा, तो ये पार्ट इंजॉय करो, फिर सेकंड पार्ट जब अपलोड होएगा तो वो भी देख लेना। लेट्स गो, अभी डायरेक्ट गाड़ी में बैठते हैं, फिर तुम लोगों को थोड़े बहुत सिनेमैटिक दिखाता हूँ। लेट्स गो। घर भर के सामान पैक हो चुका है अपनी गाड़ी में, अभी से करते हैं बंद। यो फाइनली गाइस, 2 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग फाइनली अपने होटल पहुंच चुके हैं। तो लेट्स बिगिन, यहां से जर्नी स्टार्ट होती है अपनी। तो गाइस, हम लोगों ने डोसा ऑर्डर किया था, तो वो भी आ चुका है। लेट्स बिगिन। तो गाइस, पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करा था, ये भी अपन को रिसीव हो चुका है, ये हमने ख़त्म कर दिया। गाइस, शाम के 7 बज रहे हैं और हम फिर से निकल चुके हैं अपने घर से, मतलब घर से नहीं, होटल से। लेट्स गो, इस चाबी को हम नीचे रिसेप्शन में जमा कराते हैं एंड फिर निकलते हैं यहाँ पे हमें घूमने जाना। लेट्स गो। फाइनली, मतलब आलमोस्ट आधे घंटे के सफ़र के बाद हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। तो अभी हम पार्किंग वगैरह एरिया के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पे हमने पार्क कर दी अपनी गाड़ी। कुछ ऐसा सा था हमारा एंट्रेंस, तो काफ़ी मतलब बढ़िया लग रहा था देखने में, थोड़ा सा वेयर्ड एंड या। तो बेसिकली ये हवेली पूरी डिपेंडेंट है हमारे ओल्ड पंजाब पर, तो यहाँ की हर एक चीज़, हर एक छोटी से छोटी चीज़ मतलब पूरा डेडिकेट करती है हमारी पुरानी जनरेशन को, मतलब वो लोग कैसे रहते थे, सब वो कैसे जीते थे, मतलब वो हर एक चीज़ इन्होंने रीस्टोर कर रखी हुई है यहाँ पे। जो पर एंट्रेंस करते ही मेरे को मिली लस्सी, जो कि काफ़ी टेस्टी थी। इस रूम के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये तुम ध्यान से देखना एक बार पूरा शुरू से लास्ट तक। ये किसी मतलब उस टाइम के सूबेदार ऑफिसर का रूम है, तो चेकआउट कर लो। Hare Krishna sab ke dil mein
ये प्रोग्राम के बाद मैंने कुछ हद तक इस जगह को एक्सप्लोर करा एंड इसके मैं तुम्हें सिनेमैटिक शॉट्स कुछ शॉपिंग एरिया, अगर तुम कुछ बाय करना चाहते हो तो यहाँ थे कुछ स्टॉल्स वगैरह, तो ये भी टिकट के बीच ही कट कर लिए जाते हैं इसके, वैसे तो ये एक हिसाब से फ्री होते हैं।
तो गाइज़ उस टाइम पे मतलब ज्वेलरी शॉप्स कुछ ऐसी हुआ करती थी, मतलब ये उस टाइम का सिनेरियो दिखाया गया है कि किस चीज़ को क्या क्या बोला जाता था। जब लाइट वगैरह कुछ नहीं था तो कुछ ऐसे पंखे हुआ करते थे, तो मतलब ये राजे महाराजों के लिए थे, आम लोगों के लिए नहीं थे। तो ये है गाइस उस टाइम का वेल, जिसे आजकल कुआं भी बोला जाता है। तो ओल्ड एज टाइम में जो भी औजार वगैरह बनाए जाते थे तो वो कुछ ऐसे बनाए जाते थे। तो गाइज यहाँ पे कुछ इन्होंने सिनेरियो क्रिएट किया कि लाइक वो जो बंदी होते थे मतलब उस टाइम के, उन्हें सज़ा दी जा रही थी कहीं। तो ये हैं उस टाइम के टेलर जो कि सूट स्टिच किया गया करते थे। तो गाइज इन सब के बाद कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए था, तो ये कुछ सीन वगैरह क्रिएट किए गए। ਆਇਆ
तकलीफ में हैं, वो रिकॉर्ड करना भूल गया कि क्या क्या था। तो तुम लोग अभी तो फिलहाल फिनिश हो चुका है सब, तो अभी बस खीर बाकी है, वो अभी आ रही होगी थोड़ी देर में। तो यप काफ़ी कुछ था, लाइक बहुत टेस्टी था, काफ़ी मज़ा आया। सो यप अभी निकलते हैं एंड इस ब्लॉग को लास्ट एंड करते हैं। फाइनली गाइस खीर आ चुकी है अपनी, तो ये खाने के बाद निकलते हैं घर की ओर। चिट्टे हो गए बाल, हुण है नी कोई मेरे नाल, आ सामने खड़ा फतेह मेरे रोज मारदा पटे, मैं दस भी नहीं सकदा किथे किथे मारदा जी पटे। ओह अगे सुत्ता पिया खैरा, मैनू कहिंदा दे पैरा दे पैरा, ਉਦੋਂ ਪਰੇ ਖੜਾ ਭਾਜੀ ਸਰਪੰਚ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਪੰਚ, ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਖਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੁਖਦੇ ਗੋਡੇ, ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਡੋਡੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਜੰਮੇ ਰੋਡੇ ਭੋਡੇ। ਭਾਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੱਲ तो गाइस फिलहाल ये व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारा घूम लिया हमने, तो अभी सुबह निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, उस वो आपको पूरा मिलेगा पार्ट टू में। तो अभी पार्ट वन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।